नमस्कार दोस्तों, मैं साइली चाड़के और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, ये जगह आपको जानी पहचानी है क्योंकि 17 या 18 दिन से लगातार आप इस जगह को देख रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे राकेश कुमार यादव जो जेसीबी चालक थे, उनका जो जेसीबी के साथ वो गड्ढे में गिरे थे, ये वही जगह है। अगर कल की बात आपको पता होगी तो कल जो है एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो यहाँ पे आके गए थे। तभी की सिचुएशन और आज की जो सिचुएशन है, आज पूरी तरीके से जो है यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी यहाँ पे अधिकारी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप स्क्रीन पे नज़ारा देख रहे होंगे तो वो ये वही नज़ारा है जो जिस गड्ढे में जो राकेश कुमार यादव है ये गिरे थे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो है काम थमा हुआ या काम रुका हुआ दिख रहा है। कोई भी काम हो नहीं रहा है, पूरी मशीनरी रुकी हुई है, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि बाहर की अगर सिचुएशन देखेंगे आप तो बाहर भी जो है कोई भी नहीं है। उनके परिवार से जो है एक दो जन रुके हुए हैं, जो उनके पापा हैं, उनके जो बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, वो उनके परिवार से यहाँ पे है, बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं है। कल एकनाथ शिंदे जी यहाँ पे आए थे तो पूरी फोर्स यहाँ पे खड़ी थी, जो नेवी वाले हैं, एनडीआरएफ वाले हैं, एमआईडीसी वाले हैं या फिर मीडिया वाले भी यहाँ पे बहुत तादाद में मौजूद थे। पर आज पूरी तरीके से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। कल सीएम साहब ने ये भी अनाउंस किया था कि मैं यहाँ पे आके गया हूँ, अभी ये काम बहुत जल्दी चालू होगा, यहाँ पे जो है बचाव जो दल है वो तैनात किए जाएंगे, जो मशीनरी लगेगी वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और जल्दी से जल्दी उनको यहाँ से निकाला जाएगा। जो राकेश कुमार यादव है उनको यहाँ से निकाला जाएगा, ऐसा कहा गया था। पर अगर आप आज का ये चित्र देख रहे हैं या फिर आज की ये स्थिति देख रहे हैं तो कोई भी जो सीएम साहब ने कहा हुआ शब्द है वो जो सिचुएशन अगर आप देख रहे होंगे तो जो पूरी तरीके से जो सन्नाटा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे छाया हुआ है। कल यहाँ पे इतने तादाद में लोग थे, उनके परिवार से जाके मिल रहे थे या फिर यहाँ की जो भी खबर थी वो आपको दिखा रहे थे या फिर आप देख रहे थे, उसमें से कोई भी एक इंसान आज यहाँ पे नहीं है। पूरी तरीके से जो काम चालू था वो भी पिछले 3 दिन से जो है थमा हुआ है। जैसे ही सीएम आके गए हैं वैसे ही पूरा काम थमा हुआ है। उनके परिवार से भी मैंने अभी बात की तो उनके परिवार के सदस्य ने भी यही कहा कि जैसे ही सीएम यहाँ से चले गए वैसे पूरी तरीके से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था। सब जो अधिकारी यहाँ पे कल आए थे वो यहाँ से धीरे धीरे चले गए। कोई भी उसके बाद उनके परिवार को जाके पूछा नहीं है, किसी ने उनके परिवार को उसके बाद जाके पूछा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए या फिर किसी ने भी उनको ये बताया नहीं है कि काम कब तक चालू होगा, कब उनको निकाला जाएगा। बस आश्वासन दे के रखा है कि वो निकाले जाएंगे, पर कब तक, कब निकाले जाएंगे, ये सवाल पूछ रहा है आप एमबी लाइव। इनके परिवार से जब मैंने बात की तो इनके परिवार के सदस्य ने भी यही कहा कि वो उन्हें जाके उनसे पूछा कि काम कब चालू होगा, कहा जा रहा था कि उनको निकाला जाएगा, तो उनके परिवार ने भी यही पूछा है कि उनको निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि पिछले 17-18 दिन से जो है इनकी फैमिली, इनका जो परिवार है वो यहाँ पर आके रोज़ बैठ रहा है, वो यहाँ पर आके एक अपेक्षा या फिर एक उनके बीच में उम्मीद है कि उनका जो फंसा हुआ इंसान है वो वापस आएगा, जो राकेश कुमार अंदर फंसे हैं वो वापस आएंगे या फिर उनकी जो बॉडी है वो निकाली जाएगी। पर पूरी तरीके से अगर आप ये दृश्य देख रहे हैं तो पूरी तरीके से यही नज़र आ रहा है कि अभी तक कुछ भी जो है यहाँ पे काम नहीं हुआ है। पिछले 3 दिन से जो हालात थे कि काम जैसे के वैसा दिखाई दे रहा है, कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। कल जो है एकनाथ शिंदे जी यहाँ पे आए थे और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ की पूरी जानकारी ली, पूरी दुर्घटना जो हुई है उसके ऊपर जानकारी ली और पीड़ित जो परिवार है उनको मिले, उनसे बात की और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा और सदस्य को, जो परिवार का एक सदस्य है उनको एनडीआरएफ में नौकरी भी, सॉरी माफ कीजिएगा, एलएनटी कंपनी में नौकरी दी जाएगी और जो उनके बच्चे हैं उनकी भी जवाबदेही जो सरकार लेगी। ये आश्वासन एकनाथ शिंदे जी ने इनके परिवार को, राकेश कुमार यादव के परिवार को दिया है। पर ये आश्वासन कितना पूरा होगा, आज की अगर स्थिति देख रहे हैं काम अगर पूरी तरीके से थमा हुआ है तो ये आश्वासन पूरा होगा कि नहीं, ये सवाल उठाता है एमबी लाइव। वीडियो जर्नलिस्ट ओंकार सावन के साथ मैं साइली चाड़के, एमबी लाइव।